और इस साइड आई है अपनी ये पहली बार ब्लॉग में गाड़ी और दूसरा फॉरेस्ट वालों का डर। त्यौहार करते हैं भाई इधर के लोग, हमारे उधर तो कुछ भी नहीं। देखो कितनी अच्छी सजावट की है। देखिए अपनी गाड़ी की चार बेल्टें जो है टूट गई है, वो कारण क्या है वो भी बताएंगे हम आपको। बंदा गुस्से में आज दिख रहा है भाई, बहुत गुस्से में दिख रहा है बंदा। यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, चौकीदार की साइकिल जो है रगड़ी गई है हमसे पीछे। हो गया जी। सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफटीसी व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम सिलीगुड़ी सिटी से, फॉरेस्ट चेक पोस्ट के पास खड़े हैं रात के 4 बजे के आके भाई मोर लगाने के चक्करों में। तो भाई लंबी लाइन लगी हुई है 5-6 गाड़ियों की, क्योंकि फॉरेस्ट वालों का इंतज़ार कर रहे हैं, 6 बजे बोलते हैं कि आएंगे और आके मोर लगाएंगे। और इस साइड आई है अपनी ये पहली बार ब्लॉग में गाड़ी 6663, ये जो गुवाहाटी जा रही है भाई सेब लेके। आज पहली बार जब से ये गाड़ी आई है पहली बार ब्लॉग में आ रही है। और उस्ताद जी ये इधर सबने लंबी लाइन लगाई है, खड़े हैं इधर, ठीक है। तो चलें, ये चली जाएंगी, हम और लगा के हम निकल जाएंगे। और दिवाली की सबको हमारी तरफ से हार्दिक ये जोड़ी मेरे हाल कोई ज्यादा उतरी है ना। बड़ी दिवाली मना रहे भाई हम सिलीगुड़ी में, हवा चल रही यार। कन्न पोले घर छे तू मेरे है कितू आंदा जी 700 रुपये हैप्पी दिवाली तो बोलिया नी तू ना इस इदा नी हैप्पी दिवाली बोलना तरीके नाल जोर नाल हैप्पी दिवाली। 8 बजने वाले हैं भाई, अभी तक फॉरेस्ट वाले नहीं आए हैं, क्योंकि दिवाली की वजह से फॉरेस्ट चेक पोस्ट वाले सभी घर गए होंगे, इसलिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं भाई। वेट कर रहे हैं कब आएंगे, स्टेप लगाएंगे फिर जाएंगे। ऊपर से नो एंट्री का डर भी है भाई, कि कहीं ट्रैफिक वाले आके बोलेंगे भाई गाड़ी क्यों खड़ी की है यहाँ पे, और दूसरा फॉरेस्ट वालों का डर कि गाड़ी आगे क्यों ले गई हो। मतलब कोई सिस्टम नहीं है, फॉरेस्ट वालों का भी कोई सिस्टम नहीं है, ऐसे ही बिना मतलब से खड़े हैं यहाँ पे। तो भाई 8 बजे पूरे प्रॉपर 8 बजे की हमारी चेक पोस्ट हुई है, ओके मोर वगैरह लग चुकी है। एक बात है भाई, अगर ये वाली मोर छूट जाएगी ना आगे यूपी में कुशीनगर में, जब आप टीपी बनाओगे तो आपको जुर्माना हो सकता है। सुनने में आया है भाई कि बहुत सारी गाड़ियों को हुआ भी है जो इधर से ना मोर लगा के गया हो ना, 70 से 75 हज़ार के बीच में सुना है। तो आगे आप लोग वो ज़्यादा मालूम होगा जो इधर परमानेंट चलता है कि कितना जुर्माना हो सकता है गाड़ी को अगर एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट छोड़ दी जाए तो, ठीक है। ये भाई ऐसा सुनने में आया था, तो इसलिए हम सुबह 4 बजे के आगे इधर सोए हुए थे, अभी उठ के चल रही हैं भाई, ठीक है। तो चले मिलते हैं आप लोगों को सिलीगुड़ी पार करने के बाद। आगे भाई हम बाग डोगरा वाले पुल के ऊपर, यहाँ से लेफ्ट लोगे तो बाईपास जाएगा रोड भाई। ये तो नो एंट्री नहीं होनी है मेरे हिसाब से।
ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਦੀ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਆ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਕਿ ਡਾਲੇ ਕਿ ਲੰਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇਵਾਰ ਕਰਤੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹਮਾਰੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਕੋ ਇਹ ਬੰਦ ਥਾ ਏਰੀਆ देख लो भाई आप लोगों को भी दिखा देते हैं हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं अभी सारे सो रहे हैं रात को दोबारा शुरू हो जाएंगे क्योंकि आज भी दिवाली बनाएंगे हर एंटर होते ही भाई बारिश का सामना करने पड़ रहा है हम लोगों को बारिश लगी है हल्की हल्की कोई गर्मी नहीं है और बाहर का कितना बढ़िया सब गाड़ियाँ ये इसलिए साइड पे रुकी हैं क्योंकि आगे सिलीगुड़ी में नो एंट्री है और उसकी वजह से सभी गाड़ियाँ अपनी अपनी साइड पे खड़ी हो गई हैं तो आज से सुना है कि चार दिन तक नो एंट्री रहेगी सिलीगुड़ी में प्रॉपर तरीके से पानी टैंकी से पहले जो रास्ता निकलता है फुलवाड़ी की तरफ को बदान नगर की तरफ को उस रोड से होके आप लोग जा सकते हो सिलीगुड़ी पार कर सकते हो और जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक तो मेरे ख्याल से नो एंट्री एंट्री सब खत्म हो जाएगी यहाँ पे हो गया भाई एक एक्सीडेंट गाड़ी पलट गई है भाई घोड़ा घोड़ा पलट गया बजरी वाला शायद बजरी वाला ही है बजरी वाला घोड़ा पलट गया भाई कोयले वाला घोड़ा पलट गया भाई कोयले वाला फाइनली भाई पहुंच चुके हैं अररिया पहुंच गए हैं भाई अब जहाँ पे रुकेंगे टोल पे जाके टोल पे रुक के ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे बिरयानी वगैरह खाएंगे फिर उसके बाद आगे का सफ़र जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे साथ में गाड़ियों को भी रेस्ट मिल जाएगी और पेट पूजा भी हो जाएगी ना पहले पेट पूजा फिर कम दूजा तो चलें सीधा रुकते हैं जाके उधर बिरयानी पॉइंट पर ये बताइए इधर ही रुक गया बंदा इसको रुकने दो भाई हम उधर रुकेंगे जाके ये रही अपनी गाड़ी बोल टोल पे आजा टोल पे यहाँ से मुजफ्फरपुर है भाई 250 किलोमीटर पटना 234 कतिहारी लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा और यहाँ से हम लोग लेंगे राइट साइड सीधा टोल पे जाके लगाएंगे ब्रेक आ गए भाई अपनी ब्रैनी पॉइंट पे और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत लगी हैं देखते हैं फिर भी क्या होता है लगाएंगे तो हम भी कहीं एडजस्ट करके थोड़ी बहुत जगह देख के रास्ता का अगे लाग देखी जाके भाई अपनी बिरयानी पॉइंट पे जहाँ पे हम हर बार आके रुकते हैं ये रहा भाई सामने टोल के पास यहीं पे रुक के खाते हैं तो इस बार भी यहीं पे रुके जाते हुए भी यहाँ पे खाई थी आते हुए यहीं खाएंगे पूरा ट्रिप दरभंगा से पहले पहुँचे हैं भाई और सुबह से लेके अपनी गाड़ी की चार बेल्टें जो है टूट गई है वो कारण क्या है वो भी बताएंगे हम आपको चार बेल्टें टूट चुकी है भाई अपनी एक दो तीन हाँ तीन टूटी हैं भाई नहीं चार टूट गई हैं चार बेल्टें टूट गई हैं और उसका कारण ये है भाई हमने बेल्टें डाली थी तरपाल के नीचे लकड़ी है चोर्स और उसकी वजह से लकड़ी लूज भी है और गाड़ी जब खड्डे में गिरती है हिलती है तो उसका जो कारण है ना लकड़ी का कारण जो ऊपर वो बेल्ट को काट देते हैं भैया आपकी लकड़ी में और हमारी ऐसे ही बात है यार ये भी बात सोचने वाली है आपकी लकड़ी पुरानी भी है ओ पानी इनकी मुंजी पे जानी हूँ मार रही जो आपकी लड़की में और हमारी लड़की में क्या फर्क है लकड़ी में फर्क बहुत है भैया ठीक है जहाँ फिर ये हमारा उस्ताद जी तेज चलता होगा ऐसा भी हो सकता है भैया हमारे मौजू ले रहे हैं मौजू ले रहे हो हमारी बेल्टें टूट रही है और हमारा मौजू ले रहे हैं तो बेल्टें भाई ये हल्की वाली बेल्टें हैं ये बेल्टें सही नहीं है ये भैया क्या बोल रहे हो आप
बेल्ट हल्की है। नहीं भैया ये भैया 8 साल पुरानी बेल्टें हैं। सेल में ली थी ये? ना 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 ना, ये 2863 के टाइम की बेल्टें हैं भैया, ठीक है। ये पुरानी बेल्टें हैं, 8 साल पुरानी। इनकी अभी मतलब वैल्यू खत्म हो चुकी है, इसलिए ये टूट रही हैं। टूटने का कारण वो भी है जो मैंने आप लोगों को बताया पहले, ठीक है। तो अभी ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारी नहीं टूटी, आप लोगों की भाई नई नई है, अभी कल ली आप लोगों ने बेल्टें। हाँ, 2000 की शक्ल है तुम्हारी, 2000 की लेने वाली, दिखाना शक्ल, शक्ल दिखाना, रास्ते में तो नहीं टूटी, शक्ल दिखाना, दिखाना शक्ल, लगा जोर, लगा जोर। बेल्टे भैया इधर लकड़ी पे फारन वाली काम देती है, ये देख लो भाई बिहार में रोड के ऊपर। ना ना तरपाल नहीं फड़ता, तरपाल नहीं फड़ता, कसरे ही बेल्टे। ओए उड़ गयो पीछे आगे जा। दरभंगा से 20 किलोमीटर पहुंचे हैं, पाइप पीछे थोड़ा से हैं तो यहाँ पे रुके हैं, थोड़ी सी एक चाय ब्रेक ली है, टी ब्रेक, दोनों गाड़ी यहाँ पे है, फिल्टर वगैरह साफ करवा लिए, तो अब चाय पीने जा रहे हैं हम लोग। आगे भाई चाय पीने के लिए, ताज़ा ताज़ा चाय बनने जा रही है। मामा का हाल वाल पूछ लो, क्या हाल मामा, ठीक हो है, पता चला ड्राइवरी का, बंदे की कंडीशन चेंज हो गई है, देख लो भैया, हालत बंदे की खराब हो चुकी है, देखो मुआवजा का, बंदे को शर्म आ रही है अपने आप पे कि मेरी हालत खराब हो गई। नहा लेना था, नहाया नहीं 4 दिन से, जितने दिन से भूटान के अंदर गया एक दिन भी बंदा नहाया ही नहीं है। क्या कर रहे हैं, नहाया नुहाया बंदा पूरा है, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था, पानी वगैरह उतार रहा था, इसलिए बंदे की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, कपड़े ब्लैक से वाइट होने शुरू हो गया है, लगा लो हिसाब। तो चले चाय वगैरह पीते हैं, इस टोल पे रुके हुए हैं भाई दरभंगा से पहले 30 किलोमीटर। भाई रात पड़ चुकी है, रात का जो टाइम है शाम का, यहाँ पे थोड़ी जल्दी हो जाती है, 7 बज चुके हैं, और हमने मुजफ्फरपुर पार करके कोई 20 किलोमीटर आगे आए हैं पार। सामने उस टाइम पार पे है मशहूर जो मोगा पंजाब ढाबा है, उसके सामने रुके हैं। आते समय तो उधर ही रुकते हैं, पर इसके सामने अब यहाँ पे ब्रेक लगाई है, टायर शायद पंचर हो गया है, तो टायर के जो पंचर होने पे अब इसको अभी चेंज करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ टायर पंचर हो गया भाई, टायर पंचर हो गया, और अभी बंदा जैक लगाने गुस्सों के अंदर, ब्रेक पंचर है ना, ब्रेक पंचर हो गया भाई। हमारे काका भैया अंदर लगे हैं जैक लगाने, बहुत मुश्किल होती है जहाँ अंदर घुस के जैक लगाने की। टायर दबाए हो यार, यूं पौड़ी भाई, पौड़ी बनाई। हेलो काका, मुंडी चुकी ऊपर, वो अख बना भी इसकी लाल सुरख, टायर पंचर हो गया, स्टेपनी क्या नहीं बनाना, टायर पंचर हो गया, टायर बनाएंगे अभी इधर से। मामा जी इधर आके पीछे खड़े हैं अकेले ही, पता नहीं क्या चक्कर है, परेशान हो गए हैं घर जाने के चक्करों में। उस साइड है डब्बा भाई, पंचर हो चुका है भाई अपना, और ट्यूब एक पंचर हो चुका है, ट्यूब को पंचर लगाने गए हैं। टाइम पे हम लोगों ने स्टाफ ले लिया ताकि हमें मालूम पड़ गया, नहीं तो ये अगले फ्रंट एक्सल वाले टायर ना पता ही नहीं चलता है, क्यों उस्ताद जी, उसी वक्त पता चलता जब पूरा बैठ जाता है, तो फिर डबल जैक लगा के उठाना पड़ता है। तो चलें टाइम टाइम से गाड़ी को, हमेशा ना ज़्यादा लंबा नहीं चलाना चाहिए, टाइम पे टायर चेक कर लेना चाहिए, टायर वगैरह मतलब हर कुछ चीज़ चेक कर लेनी चाहिए, ताकि पता चल जाए कि कोई फॉल्ट तो नहीं है। 100-200 किलोमीटर चला के गाड़ी को जरूर चेक करना चाहिए, टायर वगैरह किसी टोल पे कहीं ना कहीं लगा के चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। हमारे साथ एक गाड़ी और थी पंजाबी, अभी पहुंची है शायद, पहुंची है, कहाँ है लवतीन भाई, आगे ले गया। नीले भाई हम लोग पहुंच चुके हैं
पेपरा कोठी पार करके उसी पंप पे जहाँ पे हमने उस दिन गाड़ियां रात को लगाई थी, आज फिर से उसी पंप पे लगाएंगे और रात को यहीं सोएंगे, सुबह उठ के जाएंगे, क्योंकि वो आपको मालूम है वो 8 बजे से पहले उधर कोई भी नहीं आता है। पहले हमारी टीपी 8 बजे से पहले हमारी टीपी वगैरह नहीं बनेगी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लगाते हैं इतनी पंप पे गाड़ी और सोते हैं यहाँ पे, सुबह उठ के यहाँ से निकलेंगे। उस दिन की जगह लगा दी है गाड़ियाँ दोनों उसी पंप पे, तो अब खाना पीना खाएंगे और यहीं पे सो जाएंगे। तो चलें, सभी अपनी अपनी गाड़ियों के टायर वगैरह चेक कर रहे हैं, टायर वगैरह चेक करके फिर जाते हैं खाना वगैरह खाते हैं, खा के अगर किसी को नहाना हो तो नहा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों बन रही है भाई अपनी भी इधर मोमबत्तियाँ वगैरह जगा दी हैं हम लोगों ने भी, आज दिवाली बना रहे हैं हम लोग भाई, देख लो गाते गाते बंद सारी। सारी अपनी कानवाई खड़ी है जितनी भी है ना, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, चौकीदार की साइकिल जो है रगड़ी गई हमसे, चौकीदार की साइकिल रगड़ी गई है चाचा जी से, चाचा जी बाहर नहीं निकले, चाचा टेंशन लेनी भाई। सारी अपनी टीम खड़ी है जितनी है ना, सारी की सारी अपनी टीम है, सभी गाड़ियां आज अपनी है, दिवाली बन रही है, दिवाली में थोड़ा सा अब शकन हो गया है, साइकिल रगड़ी गई है और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बंदा गुस्से में आज दिख रहा है भाई, बहुत गुस्से में दिख रहा है बंदा, साइकिल उसने उधर फेंक दिया है, बोलता आज पूरे दिवाली मना के छोड़ो, ढाबे वाले को बुला के लाया है। ठीक है, चक्के दर का वाल नहीं कर देगा वो बड़ा चिंते मगर नमा चक्का भेजूंगा, चक्का नमा पोंगे तो गैस बन लेगा सीधा हो जाएगा, नहीं नहीं बन पाएगा, नहीं होना चाहिए सीधा माल लगा लो हो जाए भी पंजा किलो यही भुगतू अपना भरा किलोमीटर अगे अंबाले की पार्टी थी जाते रहे जाते गड्डी बाहर कढ़ो आई सारा माल लदवाया भज लो उपराले पंप आली साइड कर ला दे ला पिछे हो गया जी।
चलो 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 करो करो शुरू। कट्ठे कट्ठे जान दो कट्ठे कट्ठे। दो गाली देंगे चौकीदार गाली मुकदी।